Hey everyone, welcome to Not So Cheesy Life. कुछ न्यूज आई है यार अभी रिसेंटली, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से न्यूज़पेपर्स के अंदर, तो वो एक बार देख लेते हैं, उसको कवर करते हैं और जो ये सारा कंफ्यूजन है ना 12th बोर्ड से रिगार्डिंग, उसको थोड़ा और क्लैरिटी में लेकर के आते हैं आप लोगों के सामने. सो लेट्स स्विच ओवर टू द न्यूज. Hey everyone, न्यूज पे स्विच कर चुके हैं. सीबीएसई 12वीं 1 जून को ला सकती है डेट शीट. उसी के साथ साथ बड़े बड़े काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है कि ओएमआर शीट पर 1.5 घंटे के 4 पेपर कराए जा सकते हैं. ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज चल रही हैं, अभी भी फाइनल अपडेट आना बाकी है. ठीक है, अब ये कहा गया है कि भैया कुछ जगह ऐसी थी जहां पर, यानी कि कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, उन्होंने कहा था कि भैया पेपर कराया जाना चाहिए और कुछ ने कहा था कि पेपर नहीं कराना चाहिए. तो 32 ऐसी थी जिन्होंने कहा था कि कराना चाहिए और दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान निकोबार ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि भैया हमें पेपर नहीं कराना है. ठीक है, 3 राज्य राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ने यह कहा कि भाई परंपरागत तरीके से, यानी कि ओरिजिनल जो मेथोडोलॉजी है उसी के स्टाइल में 3 घंटे का एग्जैक्ट पेपर होना चाहिए. इससे बच्चों को जो है एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. बल्कि 29 स्टेट्स ने यह कहा कि भाई हमें नया पैटर्न कुछ ईजाद करना चाहिए कोरोना महामारी के चलते हुए. उसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि भाई एक लैंग्वेज व 3 इलेक्टिव पेपर होने चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज का पेपर और 3 इलेक्टिव पेपर होने चाहिए इन 4 पेपर्स के अंदर. केरला, असम, पंजाब, झारखंड, सिक्किम, दमन दीव ने कहा कि भाई हमें तो ये मोमेंट चाहिए कि भाई पेपर कराने को राजी है मगर वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए. अच्छी बात है, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर बचाव हुआ तो जो है सबसे बढ़िया बात होगी. ठीक है, मतलब इन्फेक्शन का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो. ऑन द अदर हैंड, पेपर पैटर्न में कम बदलाव हो ऐसा भी कुछ राज्यों ने कहा, जिनमें आते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा. मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु ने यह कहा कि भाई हम पेपर कराने को राजी हैं, पेपर पैटर्न बदलो कंडीशन के हिसाब से मगर इतना भी मत बदलो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए, बच्चे पेपर पैटर्न को समझने में ज्यादा टाइम लगा दें. उसी के साथ साथ पिछले वाले वीडियो में मैंने डेफिनेटली कवर किया था कि भैया 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में परीक्षा हो जाएगी और स्पेसिफिकेशन दे देता हूं, 15 जुलाई से 1 अगस्त का पहला स्लॉट दिया गया है और 8 अगस्त से 26 अगस्त के बीच का दूसरा स्लॉट दिया गया है. इन दोनों स्लॉट्स में पेपर होने के टाइमिंग वगैरह जो है सब कुछ डिसाइड कर दिया जाएगा, 1 जून को सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएगी. ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज ये है कि भाई स्टेट बोर्ड्स ने भी ये थोड़ा थोड़ा साफ कर दिया है कि हम सीबीएसई की डेटशीट आने के बाद ही अपने पेपर पैटर्न का जो डिसीजन है वो लेंगे. पर सेंटर ने ऑलरेडी कह दिया था स्टेट्स को कि भाई अपने स्टेट्स की कंडीशंस के हिसाब से आप पेपर का डिसीजन ले सकते हैं, मगर फिर भी स्टेट्स आर रेडी टू स्टे बैक एंड लुक फॉर द डिसीजन व्हाट सीबीएसई हैज टू टेक. ठीक है, और उसी के हिसाब से जो है सारी चीजें करना चाहता है स्टेट भी, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात है जो बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों का फ्यूचर इज एट रिस्क. क्योंकि भैया हायर लेवल पेपर्स पे जब आप जाओगे तो सीबीएसई, या यूं कहिए कि 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है. तो इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन कि स्टेट चाहता है कि भाई हम सीबीएसई का पेपर पैटर्न आने के बाद ही अपना फाइनल डिसीजन देंगे. ठीक है, तो ओएमआर शीट पर पेपर होना लगभग तय है भाई. देखते हैं क्या क्या चीजें निकल करके बाहर आती हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए पिटारे में भर रखी है सीबीएसई और स्टेट्स ने और सेंटर ने. ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है आकाश वर्मा. ऐसी सारी चीजें और भी आती रहेंगी और क्लैरिफिकेशन आप लोगों के लिए आता रहेगा, मगर आप लोग पढ़ाई करना ना छोड़ें. ठीक है, पढ़ाई को रेगुलरली रखते रहिए क्योंकि पेपर तो होना तय है भाई. नहीं होगा तो अलग बात है, मगर अगर हो गया तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो डिले नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर अपडेट ऑन 12th बोर्ड्स.